हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज सुनील। चलिए देखते हैं मार्केट कल कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जिनको कल की डेट में हमें कंसीडर करना चाहिए। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए, कौन सा इंडेक्स बेटर है एज ए ऑप्शन बायर एज ए ऑप्शन सेलर, दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले मेजर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। निफ्टी यहाँ बहुत ही स्मूथ मूव करता है। निफ्टी का प्राइजेक्शन अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं और इनिशियल स्टेज में है तो निफ्टी में आप बाइंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का मोमेंटम आपको समझ में कम आएगा, ध्यान से चीजों को समझिए, उसी के अकॉर्डिंग प्ले करिए। पहले आप अपना इंडेक्स प्लान करिए कि आपको किस इंडेक्स में ट्रेड करना है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि बाइंग करना है, सेलिंग करना है, क्या करना है, कौन सा इंडेक्स प्रेफर करना चाहिए, मैं आपको अभी यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखिए निफ्टी यहाँ पे बुलिश है, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अभी वीक है। निफ्टी में आप देखेंगे अपर साइड से जो डायनेमिक ट्रेंड लाइन आ रही है, ब्रेक हो चुकी है, उसके बाद ये रिटेस्ट हो चुकी है। आज लास्ट आवर में एक शार्प बाइंग देखने को मिली कि अच्छी वैल्यूम यहाँ पे जनरेट हुई, फेक है क्या है, सारी चीजें के बारे में बात करेंगे। तो अब निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है डाउन साइड में हमारे पास, ये पूरा जोन हमारे लिए अभी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम इसको ब्रेक किया तो यहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इसको ब्रेक किया तो यहीं से सपोर्ट भी लिया। तो मतलब कहने का ये जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो अब ये सपोर्ट बन चुका है, तो डाउन साइड में हमारे पास 19,470 से लेके 19,500 ये लेवल, ये पूरा जोन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। रेजिस्टेंस क्या है 19,650, ये काफी दिन से वैलिड है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो ये जितना डाउन ट्रेंड है ये पूरा लोअर लोज की फॉर्मेशन जो लगी हुई है आपको ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो, लो हाई लो हाई, यहां पे बॉटम कहीं ना कहीं बन चुका है और लोज कई बार ट्राई किया निफ्टी ब्रेक करने के लिए लेकिन लो बार बार ब्रेक हो रहे थे, सस्टेन नहीं कर रहे, तो बॉटम क्लियर यहां बन चुका है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। तो 19,650 के ऊपर आपको एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलेगा, फिर हो सकता है निफ्टी पहला टारगेट अपना हिट करेगा 19,900, मान के चलिए 20,000 का, और 20,000 फिर इसके लिए आवर्ली चार्ट पे रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम पे आपको 21,500 प्लस तक के टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। होप आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन इस पे कोई इंट्राडे प्लान नहीं करना है, इस पे बस मैं आपको इम्पोर्टेंट बड़े टाइम फ्रेम पे इम्पोर्टेंट लेवल बता रहा हूँ। क्या हो कि ये फेल हो जाए, देखिए ये ब्रेक किया, पुल बैक लिया, दोबारा अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे यम पैटर्न दिखेगा, लेकिन उसके लिए आपको निफ्टी को 19,470 के नीचे आना पड़ेगा जो कि अभी बहुत ज्यादा दूर है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 150 पॉइंट ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है और इस शार्प लास्ट आवर में एक अच्छी बाइंग भी देखने को मिली है। तो जितना ये मूव था पांच कैंडल का, ये सिंगल कैंडल ने यहाँ ऐसे इसको एंगल्फ कर लिया है, तो चांसेस आज वेरी हाई कि मार्केट के इस मूव से एक इंडिकेशन मिल रहा है, ये कोई न्यूज जरूर यहाँ पे इम्पैक्ट की हुई है, ये न्यूज की कैंडल है, हो सकता है ये सस्टेन ना करे, लेकिन अगर ये स्ट्रांग न्यूज होगी तो ये फिर गैप अप के भी चांसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों चीजों के बारे में प्लान करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल आपको पता चल गया 19,470, आप 19,500 19,650 ओवरऑल 150 पॉइंट की रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब इसको हम कैसे प्लान कर सकते हैं वो समझने की यहाँ पे कोशिश करिए। तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिए। मार्केट एक रेंज बनाया और रेंज बनाने के बाद देखेंगे तो इसको ब्रेक किया तो एक मोमेंटम यहाँ पे बाइंग मिली है, अपर साइड से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तब भी ये चार्ट पर ये ट्रेड पकड़ में आ जाता है इजिली। तो चीजों को समझिए और प्ले करिए। देखिए न्यूज हो कुछ भी हो, जब तक ये चार्ट पैटर्न नहीं बताएगा, ये चार्ट खुद ही बताने लगता है कि यहाँ पे बाइंग इनिशिएट होने वाली है या क्या होने वाला है। तो सबसे बेस्ट सिनेरियो होगा इसका फ्लैट ओपन होने का, अगर ये इसी पर्टिकुलर लेवल में ओपन हो जाता है 19,580 से लेके 19,580 से लेके 19,640 के बीच में 60 पॉइंट में ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये निकालता है 19,650, तो कल एक्सपायरी आपको इसके ऊपर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 19,650 के ऊपर आपको एक 60 कवरिंग मूव भी देखने को मिल जाएगा, ये फर्स्ट सिनारियो हो गया।
लेकिन एग्रेसिव आप बिल्कुल भी सेल मत करिएगा, बिल्कुल भी एग्रेसिव सेल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ प्राइस पैटर्न बनने दीजिएगा, हो सकता है प्राइस फ्लैट ओपन होने के बाद जब तक आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न रेजिस्टेंस पे ना दिखे तब तक आप बिल्कुल भी सेल मत करिएगा। अदरवाइज आपको सेल का लेवल 19,470 के नीचे ही मिलेगा जब ये पर्टिकुलर लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा। तो एग्रेसिव शॉर्ट बिल्कुल में मत करिएगा, अभी शॉर्ट का लेवल यहाँ पे नहीं है। मैंने आपको एक ही कंडीशन में बताया, फ्लैट ओपन होने के बाद 19650 को निकालता है तब आप यहाँ पे बाइंग करेंगे। लेकिन अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का पैटर्न बनाया तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट जो है, ये जो बाइंग आई है लास्ट आवर में, ये फेक है और यहां से ये फिर डाउन साइड में आ जाएगा और डाउन साइड में फिर आपके जितने भी स्विंग है ये सारे टारगेट की तरह वर्क करेंगे। ये हो गया फ्लैट का सिनेरियो। अगर ये मूव फेक नहीं होगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि कल मार्केट जो है गैप अप ओपन हो जाए। तो गैप अप के सिनेरियो में क्या होगा, ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए एक बड़ा गैप अप 19650 के ऊपर ओपन होता है तभी यहाँ पे वेट करिएगा कि 15 मिनट की एक ग्रीन कैंडल को 19650 के ऊपर क्लोज करने दीजिएगा। अगर 19650 के ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग प्रॉपर मिल जाती है और इसका हाई ब्रेक करता है तो आप वहां पर डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं क्योंकि गैप अप के थ्रू एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होगा। अगर 19650 के ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती है, मार्केट स्लो डाउन साइड आने लगता है गैप अप ओपन होने के बाद, तो आपको पता है कि कौन सा ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से आप इसको बाइंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो 19,500 से 1,600 के बीच में अगर आपको प्राइस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिलता है तो आप यहाँ से क्लियर एक बाइंग कर सकते हैं। होप आपको चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। किसी भी कंडीशन में जो बाइंग आई है इसका 50% से ज्यादा ये 19,520 के नीचे नहीं ओपन होना चाहिए। अगर ये 100 पॉइंट का किसी भी कंडीशन में गैप डाउन ओपन हो जाता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये शार्प सेलिंग में चला जाएगा, मात्र एक पूरा एक ट्रैप ही होगा। वो आपको निफ्टी की पूरी एनालिसिस क्लियर हो चुकी होगी फ्रेंड्स, तो ध्यान से प्ले करिएगा। एग्रेसिव सेलिंग का लेवल बिल्कुल भी नहीं है, बस ये किसी भी कंडीशन में 19,520 के नीचे डायरेक्ट ओपन ना हो, अदरवाइज ये फिर सेलिंग में जा सकता है। अब चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी यहाँ ये ट्रेंड लाइन पूरे ट्रेंड को होल्ड करके रखी हुई। जब तक आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी, और 44,680 ब्रेक होगा तभी आपको 45,000 तक का टारगेट अपर साइड में मिलेगा। जब तक बैंक निफ्टी में 45,000 ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको ये पूरा जो डाउन ट्रेंड है यहाँ पे बॉटम तो फाइंड बन चुका है, लेकिन जब तक ये नेकलाइन ब्रेक नहीं होती, 45,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको यहाँ पे क्लियर मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 44,680 का, डाउन साइड में 44,200 का। ये बड़े टाइम फ्रेम पे हमने देख लिया, ओवरऑल 480 पॉइंट की रेंज मिल रही है जो हमारे लिए ये नो ट्रेडिंग जोन है। ये हमारे लिए जस्ट एक नो ट्रेडिंग जोन है। लोग सोचेंगे कि इतने बड़े लेवल में, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए इतना बड़ा पॉइंट कुछ होता नहीं है, और माने तो बहुत बड़ा पॉइंट होता है लेकिन अकॉर्डिंग टू डाटा इतनी बड़ी रेंज मिल रही है। अगर अभी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा चीजें तब क्लियर हो जाएंगी। तो ये 480 पॉइंट की रेंज है जिसमें आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने की जरूरत है। तो बेटर होगा कि अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं, ये 15 मिनट की कैंडल है, अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपको यहां से ऊपर से देखेंगे कि देखिए ट्रेंड लाइन जा रही है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और प्रॉपर क्लोज करता है। देखिए ये बी शेप में ब्रेक भी कर रहा है, तो गैप अप के थ्रू कहीं पे ये डायरेक्ट अगर 44,580 के पास ब्रेक करता है तो मैं कुछ आपको एक प्राइस पॉइंट रीड करने के लिए समझा देता हूँ। मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं प्राइस ओपन होता है, उसके बाद स्लो एंड स्टडी ये डाउन साइड आता है, ये इसके लिए फिर ये सपोर्ट की तरह काम करेगा 44,650। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है तब आप बाय कर सकते हैं, फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि अवर्ली चार्ट पे 44,680 ब्रेक होगा तो आपको 45,000 तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा। लेकिन
सेलिंग आप इसके नीचे ही करेंगे 44,200 के नीचे, अगर एग्रेसिव सेलर हैं और गैप अप के सिनारियों में या फ्लैट ओपन होने के, फ्लैट यहां पे ओपन हो जाता है प्राइस को ऊपर जाने दीजिएगा, उसके बाद स्लो एंड स्टडी फिर से डाउन साइड आता है तब यहां से आप बाय कर सकते हैं। और एक अच्छा टारगेट यहां पे कुछ इस तरीके का पैटर्न हाई और लो यहां पे कंफर्मेशन के साथ बाइंग फर्स्ट टारगेट और अपर साइड तक आप यहां पे पता है कि आपको 44,680 ब्रेक होगा तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ये हो गया फ्लैट के सिनारियो, गैप अप दोनों के सिनारियो में आप यहां से सपोर्ट से एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो विद कंफर्मेशन यहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि ये पूरा जोन ही हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है और इसी के रेंज में मार्केट ओपन होती है तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक लेवल नहीं आएगा तब तक आप बिल्कुल भी बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा गैप अप इन द सेंस क्लोजिंग मिली है 44,468 के पास, 150-200 पॉइंट का गैप अप, 100-150 पॉइंट का गैप अप या 100-150 पॉइंट का गैप डाउन, विशेष कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेवल एज इट इज वैलिड रहेंगे क्योंकि रेंज ऑलरेडी बहुत बड़ी है। तो होप फ्रेंड्स आपको दोनों इंडेक्स की एनालिसिस क्लियर हो चुकी होगी। देखिए मैं बहुत ज्यादा लेवल्स आपको प्रोवाइड नहीं करता हूँ, कंडीशन बताता हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूँ, उस इंपॉर्टेंट लेवल पे किस तरीके से आपको एक्शन लेना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उस तरीके से आप प्लान करेंगे तो आप एक बेटर ट्रेडर बन के निकलेंगे। अदरवाइज लेवल देने से आप, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप यहाँ पे लॉसेस ही करने वाले हैं। तो होप आपको दोनों इंडेक्स की एनालिसिस क्लियर हो चुकी होगी अच्छे से। अगर आप लोगों को वीडियो क्लियर समझ आई होगी तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।